भगवान बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी का प्राकट्य उत्सव मथुरा और वृंदावन में धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली निधिवन राज में ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया। स्वामी हरिदास जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर निधिवन राज में स्वामी हरिदास संप्रदाय के संतों ने समाज गायन किया। इसमें संतों ने स्वामी हरिदास जी को पदों के माध्यम से प्रकट उत्सव की बधाई दी। इस दौरान पूरा निधिवन राज भक्तिमय और उल्लास के माहौल में डूब गया। ब्रह्म मुहूर्त में बांके बिहारी मंदिर के पुजारी भीकचंद गोस्वामी और रोहित गोस्वामी निधिवन राज पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी की प्रतिमा को चांदी से बनी चौकी पर विराजित किया। इसके बाद उनका सहस्त्राभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर स्वामी जी को बधाई हो की मधुर धुन से गूंज उठा। स्वामी हरिदास जी के प्राकट्य उत्सव पर बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों ने उनकी प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया। यहां 251 किलो दूध दही घी शहद और शक्कर से अभिषेक किया गया। इसके बाद उनकी महाआरती की गई। अभिषेक के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे आप देख रहे हैं, पहले राधा रानी का अभिषेक हुआ, जो बंसी छोर राधा रानी के दर्शन है निधिवन राज में, जहाँ पर सेन कर रहे थे। जब कृष्ण भगवान बांके बिहारी जी हमारे रंगमहल पे सेन कर रहे थे, तो उनकी बंसी चुराकर राधा रानी इधर बैठ गई थी। पहले राधा रानी जी का अभिषेक हुआ, क्योंकि राधा अष्टमी वाले उत्सव पे हम राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं। साथ ही उसके बाद में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है आज के दिन, राधाष्टमी वाले दिन, तो उनका अभिषेक हुआ है। अब जैसे आप देख रहे हैं, संतों द्वारा बधाई गायन हो रहा है। बधाई गायन के बाद में यहाँ पर आरती होगी, जो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं उनकी आरती होगी। आरती के बाद में यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर भंडारा चलेगा। फिर शाम के समय पे, पहले दोपहर में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी में रासलीला होगी। रासलीला के बाद में जो स्वरूप है वो स्वयं रथ में विराजमान होकर बांके बिहारी जी के स्वरूप में यहाँ पर नगर में भ्रमण करते हुए अपने चांदी के रथ में विराजमान होकर श्री निधिवन राज स्वामी हरिदास जी के जन्मोत्सव की बधाई लेके आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आरती होगी और भोग आएगा शाम के समय। जो जो अर्जी लगाने आते हैं ठाकुर जी के चरणों में, सारे दूर दूर से बैंड आए हुए हैं। कोई दिल्ली से आया, कोई मेरठ से आया है, कोई आगरा से आया है, सारे बैंड आए हुए हैं। वो शाम को 7 बजे करीबन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से प्रारंभ होगी सवारी नगर में भ्रमण करती हुई, और जगह जगह यहाँ पे आरतियाँ होती हैं। जो बिहारी जी का स्वरूप यहाँ पे आता है उसकी लोग आरतियाँ करते हैं। वो मानते हैं कि स्वयं बांके बिहारी जी यहाँ पे स्वामी हरिदास जी को बधाई देने आ रहे हैं, तो हम भी उसमें सम्मिलित हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।